हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रिया और आपका स्वागत है द स्पाइस क्लिनिक में। तो आज जो पिज़्ज़ा हम बनाने जा रहे हैं, इसके लिए ना तो हमें यीस्ट की ज़रूरत है, ना ही अवन की ज़रूरत है। इसे आप बहुत ही आसानी से कढ़ाई में बना सकते हैं और इसका टेस्ट इतना बढ़िया आएगा कि आप बाज़ार का पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसे हमने कैसे बनाया है। सबसे पहले एक बॉल ले लें, उसमें एक कप मैदा डाल दिया है। मैदे के साथ ही हमने इसमें डाल देना है 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। इसके बाद हमने इसमें डालना है 1/2 चम्मच नमक। और इन सब चीज़ों को हमें मैदे के साथ सूखा ही अच्छे से मिला देना है। हमारी सब चीज़ें अच्छे से आपस में मिल गई हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे दही। तो ध्यान रखना है कि दही हमारा बिल्कुल ताज़ा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसमें हम मिलाएंगे 4 चम्मच दही, और दही हमारा गाढ़ा होना चाहिए। तो इसको दही के साथ मैदे को मिलाते हुए हमें इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें 1 चम्मच पानी मिला दे सकते हो, लेकिन वैसे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस तरह हमें इसे अच्छे से मिलाते हुए एक सॉफ्ट डो तैयार कर देना है। मेरे चैनल पे अवन वाले पिज़्ज़ा की रेसिपी भी अपलोडेड है। अगर आप वो देखना चाहते हो तो मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगी, तो उसको भी ज़रूर जाकर चेकआउट करें। देखिए, हमारा डो बिल्कुल सॉफ्ट तैयार हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 2 चम्मच मेल्ट किया हुआ बटर। मैंने यहाँ पे बटर मिलाया है, चाहे तो आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इस बटर को भी इसके अंदर अच्छे से इनकॉर्पोरेट करना है और इसका एक सॉफ्ट डो लगा देना है। देखिए, हमारा डो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। अब हमें इसे इकट्ठा करके साइड पे 1/2 घंटे के लिए रेस्ट करने रखेंगे। जब तक हमारा डो रेस्ट हो रहा है, तब तक हम अपना घरेलू ओवन तैयार करते हैं। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर डाल दिया है नमक। नमक ये वही है जो हम रेगुलर खाने के लिए यूज़ करते हैं। उसमें रख दिया है 1 स्टैंड, और इसको ढककर 15 मिनट के लिए हमें प्रीहीट करना है, जिस तरह से हम ओवन को करते हैं। इस तरफ हमारा डो भी फूल कर तैयार हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा मल लेंगे, बस इतनी ही ज़रूरत है। अब हम इसे हाथों से ही धीरे धीरे फैलाएंगे। इसके लिए पहले थोड़ा सा मैदा छिड़क लें, अब इसको हाथों से धीरे धीरे फैलाना शुरू करें। इस तरह से हमें इसे हाथ से फैलाते जाना है। अगर ज़रूरत हो तो हाथ पे थोड़ा सा मैदा लें और इसको फैला दें। इसके बाद हम लेंगे एक बेलन, और बेलन की सहायता से इसको हमें एक पतला रोटी के जैसा बेल लेना है। इसकी थिकनेस राउंड अबाउट 1/2 इंच की होनी चाहिए। देखिए, ये हमारा सब तरफ से हमने बेल कर इसको तैयार कर लिया है। हमारा पिज़्ज़ा का बेस ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसे हमें सब तरफ से इवनली बेलना है। इसके बाद हम इसको एक बेकिंग ट्रे के ऊपर ट्रांसफ़र करेंगे। ये मैंने बेकिंग ट्रे ली है। आपके पास अगर बेकिंग ट्रे नहीं है तो आप इसको एक प्लेट के अंदर भी बेक कर सकते हो। इस तरह हमें इसे सब तरफ फोक से अच्छे से हमें प्रिक कर देना है, नहीं तो ये आपकी फूलकर रोटी की तरह बन जाएगा। सब तरफ से इसको प्रिक करना बहुत ही ज़रूरी है। जब ये सब तरफ से अच्छे से प्रिक हो जाए, तब हम इसके ऊपर डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस। मैं यहाँ पे होममेड पिज़्ज़ा सॉस का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो रेडीमेड पिज़्ज़ा सॉस भी यूज़ कर सकते हो। पिज़्ज़ा सॉस को हमें सब तरफ अच्छे से फैला देना है।
उसके बाद हम इस पर डालेंगे पिज़्ज़ा चीज़। मैंने अमूल का डाइस्ड मोज़रेला चीज़ यूज़ करा है, आप चाहें तो रेगुलर वाला पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, और चीज़ की क्वांटिटी भी आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद हम इस पर फैलाएंगे सब्जियाँ। सबसे पहले मैंने इस पर रखे हैं लंबे लंबे कटे हुए प्याज। सब्जियाँ आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हो। मैंने इसमें प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर डाला है। इसके बाद मैंने ये देखिए शिमला मिर्च रख दी है। आप इसमें ऑलिव्स भी यूज़ कर सकते हो, स्वीट कॉर्न्स भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही हमने रख दिए हैं लंबा कटा हुआ टमाटर। टमाटर के हमने बीज निकाल दिए हैं और उसको लंबे लंबे काट लिया है। इसके बाद हम इस पे डालेंगे नमक, और साइड्स पे भी मैंने अच्छे से इसके सब्जियां लगा दी हैं, और इस पे थोड़ा सा हमने चीज़ दोबारा से स्प्रिंकल कर लिया है, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया है ऑरिगेनो और काली मिर्च। दूसरी तरफ से हमारी कढ़ाई भी प्री हीट हो गई है। अब मैं इस बेकिंग ट्रे को इस कढ़ाई के अंदर शिफ्ट कर दूँगी इस तरह से। ध्यान रखें इस वक्त हमें हाथ को अपना बहुत बचाकर यूज़ करना है, क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है, और इसको हमें ढककर 15 मिनट के लिए पकाना है। इस वक्त हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है, नहीं तो आपका पिज़्ज़ा नीचे से जल जाएगा। देखिए लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं, हम देख लेते हैं। देखिए मेरा पिज़्ज़ा तो हो गया है बन के तैयार। अगर आपके पिज़्ज़ा में आपको कहीं से कुछ थोड़ी कमी लग रही हो तो इसको 5 से 7 मिनट तक और पका लें, पर इस टाइम इसको लो आंच पे पकाएं, और इसको निकालते हुए बहुत ही सावधानी से निकालें, क्योंकि इस टाइम आपकी कढ़ाई बहुत ही गर्म होगी। इसको निकाल लें और पीसेस में काट कर सर्व करें। यकीन मानिए ये बड़े बच्चों सबको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको इस तरह की और भी रेसिपीज देखनी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको सब नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।